नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, स्कूल ऑफ साइंसेस, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, प्रयागराज। आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एनालिटिकल ज्योमेट्री के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट कोड UGMM, सब्जेक्ट नेम एनालिटिकल ज्योमेट्री। सबसे पहले हम एनालिटिकल ज्योमेट्री का विकास कैसे हुआ, उसमें किसका किसका योगदान है, किसकी भूमिकाएं हैं चर्चा करेंगे। उसके बाद सिलेबस की चर्चा करेंगे। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालिटिकल ज्योमेट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ। 17 सेंचुरी में अर्ली मैथमेटिशियन जो दार्शनिक भी थे, गणितज्ञ भी थे, उन्होंने बहुत योगदान दिया। उसमें सबसे अच्छा ज़्यादा डेवलपमेंट किया रेने डेकार्ते ने, जिन्होंने बहुत वर्क किया। उन्होंने एक बुक लिखा डिस्कोर्स ऑन द मेथड 1637 में। इनके अनुसार इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अल्जेब्रिक फॉर्म में लिया। उसके बाद उसमें शेप के बारे में दिया, फॉर्मेट और डिस्केट फॉर्मेट ने दिया, डेकार्ते ने दिया, फ्रेंच मैथमेटिक्स ने अलग से कंट्रीब्यूशन उसमें देते रहे। और उसी समय उन्होंने काम किया डेवलपमेंट ऑफ द कैलकुलस एंड मॉडर्न मैथमेटिक्स। क्वाड्रेट सिस्टम में डेकार्ते के अनुसार पॉइंट ऑन ए प्लेन वेयर रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर एक्स वाई विच आर नाउ रिफर्ड टू एज ए कार्टेशियन क्वाड्रेट, उन्होंने उसको क्वाड्रेट सिस्टम में दिया। दिस सिस्टम अलाउड द प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ कोनिक में। इन द लेट 17th सेंचुरी मैथमेटिशियन जॉन केपलर यूज एनालिटिकल ज्योमेट्री टू स्टडी प्लेनरी मोशन एंड हिज वर्क लेट द फाउंडेशन फॉर द कॉनिक सेक्शन। प्लेनरी जॉन केपलर साहब ने जिसमें काम किया प्लेनरी मोशन में, सर्किल पे काम किया, इलिप्स पे, पैराबोला पे, हाइपरबोला पे। दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बिकम द इसेंशियल पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। फिर उसमें कैलकुलस आया इन द 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी के बीच कैलकुलस का डेवलपमेंट हुआ। उसमें न्यूटन साहब और ग्रेफर्ड विलहम लेबनीज ने, इन्होंने इस पर गहन अध्ययन किया। इस पर उन्होंने क्या काम किया, कर्व व टेंजेंट पे, स्लोप पे एक्सपेंड किया ज्योमेट्री टूलकिट पर। फिर उसके बाद यूलर क्लेरियट्स ने काम किया। लियोनार्ड यूलर एलेक्स क्लेरियट मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एनालिटिकल ज्योमेट्री ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। यूलर इन पर्टिकुलर वर्क ऑन थ्योरी ऑफ कर्व एंड सरफेस फर्दर इन एडवांस फील्ड। इन 19th सेंचुरी एनालिटिकल ज्योमेट्री बिकम एस्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन विद मैथमेटिक्स जॉन विक्टर पिंसलेट, ऑगस्टिन लुइस कौसिस वेयर नोटेबल फिगर हुज कंट्रीब्यूटेड द फॉर्मलाइजेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट। फिर उसमें डेवलपमेंट हुआ वेक्टर कैलकुलस में। वेक्टर एनालिसिस में लेट 1920 के अर्ली में इस डेवलपमेंट हुआ। दिस इज द पावरफुल मैथमेटिकल ज्योमेट्री टू स्टडी ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन द फर्दर इन दिस एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री टूडे रिमेन्स द फंडामेंटल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक पार्ट इन दिस इंजीनियरिंग फील्ड। इट हैज फाउंड एप्लीकेशन इन फिजिक्स इंजीनियरिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स इन अदर एरियाज। ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री इज अ स्टोरी ऑफ हाउ मैथमेटिक्स डेवलप्ड इवॉल्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड ज्योमेट्री विद अलजेब्रिक इक्वेशन ओपनिंग अ न्यू पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एनालाइजिंग अराउंड अस। अब आते हैं सिलेबस में। मेरा सिलेबस क्या है इस UGM 02 के अंतर्गत। पहला टॉपिक है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड कंडीशन ऑन इट टू प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोनिस। उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर इक्वेशन ऑफ लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला व्हेन फोकस इज टेकन एज अ पोल, पोलर इक्वेशन ऑफ द चार्ट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, टेंजेंट, नॉर्मल, पोलर, चार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन
एसिम्प्टोट एंड ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स। अब आते हैं इंट्रोडक्शन में, इस टॉपिक में बेसिकली बातें पहले कह चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार और डिस्क्राइब करते हैं। रेने डेकार्ट ने 1596-1650 वाज फर्स्ट रियलाइज ज्योमेट्री आइडिया ट्रांसफॉर्म द अल्जेब्रिक रिलेशन, दिस नोन एज कार्टेशियन ज्योमेट्री, नोन एज एनालिटिकल ज्योमेट्री। बेसिक नेसेसिटी फॉर द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन द इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड डिफाइंड द कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट कंसर्न स्पेस विल ब्रीफ टच डिस्टेंस फार्मूला। फाइनली वी शैल कंसीडर सम वेज इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी ट्रांसफॉर्म। द कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स में बी सीम रेडामस, वी हैव रीड अबाउट द लाइन एंगल रेक्टेंगुलर फिगर ज्योमेट्री विच कम्स आउट बेसिक स्ट्रेट लाइन। इंटरेस्टिंगली द रिवर्स प्रॉब्लम ऑफ द अबव इज फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अंडर डिफरेंट कंडीशन इन द प्लेन। The Hilbert geometry, more commonly called quadrate geometry, comes to help our regard. In this unit, we shall find equation of straight line in different form and try to solve the problem on this based. अब आते हैं टॉपिक हमारा पहला, equation of pair of straight line. सबसे पहले डिफिनेशन, लेट कोई लाइन L1 है, L1 is equal to 0, दूसरा है L2 is equal to 0. बी इक्वेशन ऑफ दिस टू स्ट्रेट लाइन, एल वन इज इक्वल टू जीरो, एल टू इज इक्वल टू जीरो, दो हमारे इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन के। एंड इफ यदि पी एक्स वन वाई वन कोई पॉइंट ऑन एल वन पे है एंड देन यू सेटिस्फाइड इक्वेशन एल वन इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली पी एक्स वन वाई वन ऑल्सो पॉइंट ऑन एल टू इज इक्वल टू जीरो, देन सेटिस्फाइज द इक्वेशन। If P1, X1, Y1 lie on L1 or L2, then P, X1, Y1 satisfy the equation L1, L2 is equal to 0. क्या मतलब हुआ? Equation of pair of straight line, दो line है, L1 equal to 0, L2 equal to 0, two straight line है, उसपे कोई point है, P, X1, Y1 on L1, then satisfy the equation L1 is equal to 0. Similarly, कोई और point है, on the point P, X, Y1 in the L2. Therefore, that satisfies the equation. P, X, Y1 lies on L1 or L2. Then, P1, X1, Y1 satisfies the equation L1, L2 is equal to 0. Therefore, jab L1, L2 is equal to 0, ye kya represent karenge? Pair of straight line. Yani ki dono ka jo multiplication karenge, ये जो है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। इसका मतलब L1 इज इक्वल टू जीरो एंड L2 इज इक्वल टू जीरो एंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ L1 इज इक्वल टू जीरो एंड L2 इज इक्वल टू जीरो गिवन बाय L1 मल्टीप्लाई L2 इज इक्वल टू जीरो। सपोज दिस इक्वेशन नंबर वन, ऑन एक्सपेंडिंग इक्वेशन वन वी गेट द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। हम अगर उस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे इक्वेशन हमको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो विच इज सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। अब आगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री मीन्स जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स एस वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सपोज दैट जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बी एंड एल वन एक्स प्लस एम वन वाई प्लस एम इज इक्वल टू जीरो एंड एल वन एक्स एल टू एक्स एम टू वाई इक्वल जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू लाइन, दो लाइन आपके एल वन एक्स प्लस दो लाइन है एल वन एक्स प्लस एम वन वाई प्लस एम वन एन वन इज इक्वल टू जीरो एंड एल टू एक्स प्लस एम टू वाई प्लस एम टू इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एल वन एक्स प्लस एम वन वाई प्लस एम वन एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा एल टू एक्स प्लस एम टू वाई प्लस एम टू ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जीरो। फिर जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी। कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को,
दोनों कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल वन एल टू इज इक्वल टू ए, एम वन एम टू इज इक्वल टू बी, एन वन एन टू इज इक्वल टू सी, और एल वन एम टू प्लस एल टू एम वन इज इक्वल टू टू एच, एम वन एन टू प्लस एन टू एन वन इज इक्वल टू टी एफ, और एल वन एन वन एल टू प्लस एन टू एल वन इज इक्वल टू टू जी। ये इक्वेशन दूसरे फॉर्म में आ जाएगा, ए इन ब्रैकेट बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच ब्रैकेट एच सी माइनस जी एफ ब्रैकेट क्लोज प्लस जी एच एफ माइनस बी जी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जीरो। इसी को हम लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, किस फॉर्म में, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी ब्रैकेट मैट्रिक्स क्लोज इज इक्वल टू जीरो। या इसको ऐसे पढ़ते हैं, क्रॉस में लिख लेते हैं, ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच। ऐसे अगर हम इसे याद करेंगे तो हमें सुविधा होगी, कैसे, ब्रैकेट बना लीजिए मैट्रिक्स का, डायगोनल फॉर्म लिख लीजिए ए बी सी, ठीक है, उसके बाद एफ जी एच एफ जी एच इसी फॉर्म लिख दीजिए इज इक्वल टू जीरो। अगर ये इसकी वैल्यू जीरो आती है तब, अगर जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब उसके बाद केसेस बनते हैं, पहला केस क्या बनेगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अगर होता है तो। पहले केस में क्या है, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है तो क्या रिप्रेजेंट कराएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया वो जीरो। पहला इक्वेशन ध्यान रखिएगा जीरो है तब, जीरो नहीं होगा तो दूसरा केस हो जाएगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है तो क्या करेगा, सो ये स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड केस, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वहां जीरो है, सेकेंड केस में जीरो नहीं है, तब इट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब हुआ कि अगर ये जीरो नहीं है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं है तो क्या करेगा, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन। केस थर्ड, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन जीरो, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो है, तब इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ रियल और इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। क्या हुआ मतलब, ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू जो है कि जीरो से कम है तो क्या प्रेजेंट करेगा, ये पेयर ऑफ रियल और इमेजिनरी लाइन। फिर केस सेकेंड, ए बी माइनस एच स्क्वायर मोर देन जीरो, इट इज रिप्रेजेंट अ पॉइंट, जीरो होगा तब। फिर आ जाइए वेयर, हियर ए बी सी स्टैंड फॉर कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड द कांस्टेंट ऑफ रिस्पेक्टिवली, एफ जी एच स्टैंड फॉर द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई एक्स एंड एक्स वाई। अगेन केस खत्म, अगले आते हैं दूसरे केस में, अगेन इफ ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब केस वन, पहले वहां पे जीरो था, यह जीरो नहीं है, तब केस वन में क्या होगा, अगर एच इज इक्वल टू जीरो है और ए इज इक्वल टू बी है, एच इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज इक्वल टू बी, तब इट रिप्रेजेंट सर्किल, यानी एच इज इक्वल टू जीरो ए इज इक्वल टू बी बराबर होते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड केस, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इट इज रिप्रेजेंट पैराबोला, तब ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। क्या मतलब, केस सेकेंड, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इट इज रिप्रेजेंट पैराबोला। केस थर्ड, ए बी माइनस एच स्क्वायर मोर देन जीरो इट इज रिप्रेजेंट एलिप्स, ए बी माइनस एच स्क्वायर मोर देन जीरो इट रिप्रेजेंट्स एलिप्स। नेक्स्ट फोर्थ केस, ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो हाइपरबोला, मोर देन जीरो एलिप्स, इक्वल टू की बात कर ले, अगर इक्वल टू हो जाएगा तो पैराबोला, गौर कीजिएगा। तो केस वन, फिर देखिए, एच इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू बी इट रिप्रेजेंट सर्किल, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट पैराबोला। केस सेकेंड देख लीजिए, फिर ए बी माइनस एच स्क्वायर मोर देन जीरो इट रिप्रेजेंट एलिप्स, ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो इट रिप्रेजेंट हाइपरबोला। नेक्स्ट केस, ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इट रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
Next, if number one note ABC plus 2FGH minus F square minus BG square minus CG square is not equal to 0 in the above equation, then this represents the non-degenerating conic. अब आते हैं केस सेकेंड. इफ ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इन द एबव इक्वेशन देन इट रिप्रेजेंट डिजेनरेट कॉनिक. अब आते हैं एग्जांपल पे. पहले हमने क्या देखा, इक्वेशन देखा, होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ा, होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ा. सारा केस हमारा इसी पर चलेगा. ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस सी एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो. अब क्या है, इसके एग्जाम्पल लेते हैं. पहला क्वेश्चन में क्या लिया हूँ, व्हाट कॉनिक डस रिप्रेजेंट, ये जो कॉनिक दिया हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. इक्वेशन हमारा है 13x स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 37y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14y माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो. अब आते हैं सोल्यूशन में. जो इक्वेशन है हमारा जो दिया गया है, इक्वेशन हमारा यहाँ पे है, इक्वेशन हमारा ये है 13x स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 37y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 40y माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो. इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 12xy प्लस by स्क्वायर प्लस 12gx प्लस 12fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे. या इसको ये भी लिख सकते थे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस gx प्लस fy माइनस प्लस c. इसी को हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, इस इक्वेशन से. किसे मेरा है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो. जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 13 पहले वाले पार्ट से, पहले जो टर्म होगा कंपेयर करेंगे x स्क्वायर, दूसरे टर्म मिलेगा h इज इक्वल टू 9 दो को डिवाइड कर देगा उसी से, b इक्वल टू 37 थर्ड टर्म से, g इज इक्वल टू 1 फोर्थ टर्म में, f इज इक्वल टू 7 नेक्स्ट टर्म से, और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है उससे मिलेगा हमें माइनस 2. यानी कि हम दोनों को मैंने कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद हमको वैल्यू मिल गई a का b का c का g का f और c का. उसके बाद उसी इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन लिया था, कौन सा इक्वेशन था हमारा, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है इसी में हमने a b c f g h a f स्क्वायर b g स्क्वायर c g स्क्वायर मैंने वैल्यू रख दिया, रखा वैल्यू मैंने, सभी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया. सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमको मिला माइनस 1600 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है तब. और h स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड ab इज इक्वल टू 481, देयरफॉर ab माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 400, देयरफॉर मोर देन जीरो, जीरो से बड़ा है, तो इसे कहेंगे इट रिप्रेजेंट एलिप्स. अब आते हैं अगला एग्जांपल लेते हैं. व्हाट कॉनिक इज रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन, कॉनिक मेरा है अंडर रूट ax प्लस अंडर रूट by इज इक्वल टू 1. सॉल्यूशन लेते हैं. द गिवन कॉनिक इज अंडर रूट ax प्लस अंडर रूट by इज इक्वल टू 1. दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे, क्या मतलब, इसका स्क्वायर प्लस ए का इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्या मतलब, इसका स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ अनुड ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू वन, वन का स्क्वायर वन. फिर उसको चेंज कर दिया मैंने, क्या किया, वन को किया लेफ्ट हैंड साइड में, टू एक्स वाई को राइट हैंड साइड में, फिर अगेन हमने इसको स्क्वायर कर दिया, इसको इस वाले फॉर्म को, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस वन इज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू अनुट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू स्क्वायर, जब क्या कर दिया मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर तो हमें क्या मिला, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स वाई प्लस टू ए एक्स माइनस टू बी वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. फिर कंपेयर फिर क्या किया मैंने,
therefore ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square. फिर जब किया तो जब मिला हमें इक्वेशन, ये पूरा इक्वेशन ले लिया जो मिला पीछे, ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सॉल्व करने बाद देखिए पॉजिटिव है बाकी निगेटिव है, कैंसिल होकर के आप मिल जाएगा माइनस फोर स्क्वायर बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. सो वी हैव ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. हेंस द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला, यानी जो क्वेश्चन आपने लिया है अंडर रूट ए एक्स अंडर रूट बी वाई इज इक्वल टू वन, ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए. इफ द इक्वेशन, अगला एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, इट इज रिप्रेजेंट डिजेनरेटिंग कोनिक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो. रिप्रेजेंट किसको करता है ये, डिजेनरेटिंग कोनिक एंड फाइंड देन फाइंड द वैल्यू. सॉल्यूशन फॉर जेनेटिक कोनिक ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो कर लिया. फिर उसी को हमने कंपेयर किया जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, किससे कंपेयर किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से हमने कंपेयर किया जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, यानी हमने इसको इससे कंपेयर किया. कंपेयर करने के बाद फिर हमने इसमें रखा किसमें, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर जीरो में मैंने रखा पूरी वैल्यू. ए की वैल्यू क्या है वन है, बी की क्या है माइनस वन है, लैम्डा सी सी वो लैम्डा दिया हुआ है टू वाला जीरो कर दिया है, ए वन एफ वन बी माइनस वन जी माइनस वन बाकी सब जीरो कर दिया. सॉल्व करने के बाद कंपेयर किया माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो. माइनस लैम्डा प्लस वन माइनस वन एक दूसरे कैसे कर देगा, तो हमें क्या मिला, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो. क्या मतलब, मुझे लैम्डा वैल्यू जीरो मिल गई. अब आगे आते हैं एग्जांपल नंबर फोर. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द इक्वेशन ऑफ कोनिक, टू एक्स वाई प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो. लैम्डा के किस वैल्यू के लिए जो इक्वेशन है आपका टू एक्स वाई प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस लैम्डा रिप्रेजेंट करता है इन टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन. If यदि lambda is equal to 17 हो तब वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या मतलब हुआ, lambda के किस वैल्यू के लिए आपको क्या मिलना चाहिए, इंटरसेक्ट लाइन. दूसरा क्वेश्चन दे दिया, अगर lambda is equal to 17 है तो इक्वेशन ये क्या बताएगा कि अब कौन सा इक्वेशन होगा. कंपेयरिंग दो इक्वेशन, किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद देखा हमारे सीन्स वी नो दैट द फॉर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा, इक्वेशन ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. देयरफॉर ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर किस वैल्यू मैंने कंपेयर किया, जीरो मिला. टू सॉल्व किया कंपेयर करने के बाद माइनस ट्वेल्व माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व. साइड चेंज किया उधर चला गया तो मुझे मिला लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, यानी कि लैम्डा की वैल्यू मुझे ट्वेल्व मिल गई. देयरफॉर अब अगर आते हैं फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 17, अगर लैम्डा की वैल्यू 17 आ जाती है दिया हुआ है तब क्या होगा, फिर वही काम करेंगे. हियर सी इक्वल टू 17 हो गया, लैम्डा की 17 हो गया, सी 17 हो गया, तब ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल माइनस 29 नॉट इक्वल टू जीरो. देयरफॉर ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन लेस देन जीरो. देयरफॉर The given equation represent hyperbola, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है
लेस देन जीरो है, यानी कि एक से कम है, तो क्या है ये माइनस वन, क्या रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला। नेक्स्ट अब आते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट डिफिनेशन में आते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड इट विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या मतलब ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो होमोजीनियस होगा सेकेंड डिग्री का, इट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सपोज हो गया ये, यानी ये होता है तब, सपोज दीज लाइन्स विल y इज इक्वल टू एम वन एक्स एंड y इज इक्वल टू एम टू एक्स रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज y स्क्वायर माइनस एम वन प्लस एम टू ब्रैकेट क्लोज एक्स वाई प्लस एम वन एम टू इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आल्सो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें से हमने क्या काम किया, सेकेंड टर्म को मैंने बाहर लिख लिया, आगे लिख लिया, फिर उसमें से क्या कामन निकाल दिया, बी कामन निकाल दिया, यहां से बी कामन निकाल दिया, तो क्या मिलेगा पहले टर्म में ए अपान बी एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म आपका ये हो जाएगा, ये वाई ऐसे रहेगा। इस पूरे इक्वेशन में से हमने बी कामन निकाल दिया और इसको मैंने पहले लग दिया, तो क्या मिलेगा हमको वाई स्क्वायर प्लस ए अपान बी एक्स स्क्वायर प्लस टू एच अपान बी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो हमको ये मिलेंगे। फिर आगे आते हैं कंपेयरिंग दिस वन एंड टू, एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू माइनस टू एच अपान बी, एम वन प्लस एम टू इज माइनस टू एच अपान बी एंड एम वन एम टू इज इक्वल टू ए अपान बी, कंपेयर किया कोएफिशिएंट को, एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू माइनस टू एच अपान बी एंड एम वन एम टू इज इक्वल टू ए अपान बी। देयर फोर अब आते अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन द लाइन्स। सपोज दैट द टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, सपोज दीज लाइन्स बी वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स आर टू लाइन, क्या रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एम वन प्लस एम टू ब्रैकेट क्लोज एक्स वाई प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आल्सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो और वही काम मैं यहाँ भी करूंगा, यहाँ से मैंने बी कामन निकाल लिया है सब डिवाइड कर दिया, करने के बाद क्या मिला हमको वाई स्क्वायर प्लस ए बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू एच अपान बी इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर किया तो मुझे क्या मिला एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू माइनस टू एच अपान बी, एम वन एम टू इज इक्वल टू ए अपान बी, फिर हमें एंगल क्या मिलेगा एंगल दोनों बीच में tan alpha is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 is equal to under root 4h, उसी को स्क्वायर कर दिया 4h square upon b square minus 4a upon b, नीचे 1 plus b upon a, therefore tan alpha is equal to under root h square minus ab upon a plus b, फिर इसको इनवर्स अल्फा लिया इनवर्स tan को उधर कर दिया तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी, ये हमको एंगल मिल गया। द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एस वाई इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आर टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, द दी लाइन्स आर रियल डिस्टिंक्ट एंड कॉन्सिडेंट आर इमेजिनरी। ये जो लाइन है रियल होगा डिस्टिंक्ट होगा इमेजिनरी होगा कॉन्सिडेंट होगा अकॉर्डिंग एज, पहला एच स्क्वायर माइनस ए बी मोर देन जीरो तो क्या हो जाएगा ये रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू जीरो कॉन्सिडेंट, लेस देन जीरो इमेजिनरी, आप मिल गया। यानी फिर देख लीजिए इसी बात को आप, क्या इक्वेशन आपका है ये, आ जाइए इक्वेशन है इस कंडीशन में अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू मोर देन जीरो यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी की जो वैल्यू है जीरो से ज्यादा है तो हमें क्या मिलेगा रियल डिस्टिंक्ट, इक्वल टू जीरो है कॉन्स्टेंट और इमेजिनरी, ये है तो इमेजिनरी है कॉन्स्टेंट या इमेजिनरी है, अगर जीरो है तो कॉन्स्टेंट होगा अगर लेस देन जीरो है तो इमेजिनरी होगा। आगे
कंडीशन फॉर द लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर और पैरेलल, लाइन के दो लाइन्स हैं जो भी लाइन है उसको परपेंडिकुलर पैरेलल होने की कंडीशन। पहला, इफ द लाइन बी परपेंडिकुलर, अगर लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयर फोर टेन अल्फा इज इक्वल टू 1090, 1090 होती है इन्फिनिटी, देयर फोर टू अंडर रूट एच इसका माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। क्या मतलब ए प्लस बी वैल्यू जीरो, क्या मतलब कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है और जो वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट है दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने में जो वैल्यू जीरो मिल जाए तो क्या होगा वो लाइन परपेंडिकुलर होंगे। दिस केस, अगला केस, इफ लाइन्स बी पैरेलल, लाइन क्या हो पैरेलल हो, क्या होना चाहिए एंगल क्या हो जाएगा जीरो, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन ए प्लस बी, देयरफॉर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, देन एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, दैट इज वन बाय टू कोएफिशिएंट्स ऑफ एच स्क्वायर एक्स वाई का होल स्क्वायर, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर लाइन थ्रू द ओरिजिन, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है इक्वेशन ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर लाइन थ्रू द ओरिजिन, इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, बी परपेंडिकुलर देन ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो और बी माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि अगर ये लाइन परपेंडिकुलर होना हो तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो या बी इज इक्वल टू माइनस ए या ए इज इक्वल टू माइनस बी, हेंस द इक्वेशन बिकम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, हमने उसको रिप्लेस कर दिया इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो आर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, वेयर पी इज एनी कॉन्स्टेंट, वेयर पी इज एनी कॉन्स्टेंट। एग्जाम्पल में आते हैं, वाट कर डज इक्वेशन प्रेजेंट, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स वाई प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो, हमारा क्वेश्चन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। पहला, सोल्यूशन में आते हैं, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, अब इसी को लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, मैंने दो बार लिखा माइनस एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई, कंबाइन करेंगे तो आपको वही मिल जाएगा फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस एक्स वाई माइनस फोर वाई एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जीरो, या इसको कॉमन निकाल दिया, यह दोनों कॉमन है एक्स वाई एक ब्रैकेट में एक्स माइनस फोर वाई एक ब्रैकेट में, इसको फैक्टराइज किया यहाँ पे ऐसे मिला, फिर यानी एक्स वाई यहाँ पे है एक्स वाई यहाँ पे है तो मुझे क्या मिला एक्स माइनस फोर वाई एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, क्या मतलब एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो होगा या एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो होगा, तब दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा, या ये भी जीरो हो ये भी जीरो तब उसका मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा, दैट इज क्या होगा पहला केस एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो या एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी इन दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए, या एक्स इज इक्वल टू फोर वाई हो चाहे एक्स इज इक्वल टू वाई हो तब ये जीरो होगा, तब का रिप्रेजेंट करेगा विच आर स्ट्रेट लाइन, हेंस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी जो मेरा क्वेश्चन है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक्स इज क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस सेवन एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, एंगल फाइंड करना है किसने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। अब आते हैं सोल्यूशन में, सपोज अल्फा बी द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी यहाँ अल्फा किसमें है दो लाइन्स के बीच में, देयरफॉर टेन अल्फा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है हमारा
tan alpha is equal to 2 under root h square minus ab upon a plus b. ये फार्मूला है. फिर उसी इक्वेशन मैंने यस के बराबर रखा माइनस सेवन बाई टू ए बी वन इंटू फोर ए इंटू बी. ये क्या हो जाएगा माइनस सेवन बाई टू कंपेयर कर लेंगे एक्स वाई से. यहाँ पे ए इज इक्वल टू वन बी इज वाई बी इज इक्वल टू फोर. हियर फोर टू अंडर रूट माइनस सेवन बाई टू स्क्वायर वन माइनस वन डॉट फोर इज इक्वल टू टू. ये दो टाइम्स है ये पॉजिटिव हो जाए ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे. 49 बाई फोर सेवन सेवन जा 49 टू टू जा फोर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे माइनस फोर. नीचे है रेड बाई वन प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव. देयर फोर जब उसको एलिमिनेट करेंगे टू अंडर रूट 33 अपॉन फोर अपॉन फाइव इज इक्वल टू रूट 33 अपॉन फाइव. देयर फोर अभी आपको मिल गया टेन फाइव इज इक्वल टू अंडर रूट 33 अपॉन फाइव. देयर फोर फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 33 अपॉन फाइव. हमको क्या मिल गया एंगल मिल गया. देयर फोर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. Therefore, अब नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन व्हिच आर परपेंडिकुलर टू लाइन बाई 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सीज द इक्वेशन द्वारा ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1. सपोज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y - 7x इज इक्वल टू 0 y - 7x इज इक्वल टू 0 देन देयर कंबाइंड इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय 1 is equal to y is equal to minus 1 upon x and y is equal to minus 1 upon m2x. Therefore, combined, dono multiply kar diya aapne. m1y plus x, m2y plus x is equal to 0. Therefore, phir in dono ko ek ek term ko multiply ki. Is term ko yahan multiply karenge, ye milega. Phir yahan multiply kiya maine. m1y into m2y. m1, m2y square. फिर इसको यहां मल्टीप्लाई किया m1 m2 m plus m2xy plus x square is equal to 0. इसको मैंने इससे कंपेयर कर दिया. कंपेयर करने के बाद इसको मैंने ये कंपेयर कर दिया द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस b 2y square plus 5xy plus x square is equal to 0. आज हमने यहीं तक पढ़ाया. आपको जो मैंने आपको पढ़ाया आपको कैसा लगा इसका फीडबैक दीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. जो भी आपके फीडबैक होंगे हमारे लिए सहायक होंगे. धन्यवाद. थैंक यू.